सामने के व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाऊँगी प्राउन्स बिरयानी। तो सबसे पहले जो है वो प्राउन्स को हमने क्लीन करना है। किस तरह करना है वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, ये प्राउन्स है और मैं फिर से बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ किस तरह। और इसे क्लीन करना भी जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वेन होती है, ठीक है, तो इसे आपने ज़रूर क्लीन करना होता है और बहुत ईजीली जो है ये बाहर आ जाती है। और आज के फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह फिर बहुत ईजीली जो है ये रिमूव हो जाते हैं और इसको फिर इस तरह अगेन कट करना है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह, तो ये रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जितने भी प्राउन्स यहाँ पे श्रिम्प्स रखे हुए हैं तो इसे जो है वो मैं इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ और फिर बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सारे प्राउन्स मैंने बना लिए हैं और अब इसे जो है वो मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी। ठीक है, फिर जो है मैंने वॉश करके सारे जो रख लिए हैं प्राउन्स और अभी जो है इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो थोड़ा सा जो है टर्मेरिक पाउडर मैं डालूँगी, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून जो है चिली पाउडर हमने यूज़ करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने शामिल किया है इसमें। ग्रीन चिलीज है मेरे पास। अच्छा, आप जो है वो ग्रीन चिली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने ग्रीन चिलीज जो है इसमें यूज़ किए हैं। बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी और आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस, ठीक है, और ये तकरीबन 1 लेमन जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। और ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने प्राउन्स लिए हैं वो 1 kg हैं। ठीक है, और चावल भी सेम है तो आप अपने हिसाब से जो है वो यूज़ कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे योगर्ट शामिल करूँगी मैं 2 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून। ब्राउन अनियन है, और ये तकरीबन 1 या 2 मीडियम साइज की जो है अनियन आपने इसमें लेना है। ठीक है, और इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा ऑयल भी इसमें शामिल करना है और 2 टेबल स्पून तकरीबन जो है वो हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। अच्छी तरह जो है इसे मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करके तकरीबन जो है वो मैं हाफ आवर के लिए जो है इसे रख दूँगी, तो फिर इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा इन प्राउन्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल या घी जो भी आप चाहें यूज़ कर लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून जो है मैंने जो है प्राउन्स में अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट शामिल किया था, और 2 टेबल स्पून अगेन मैं ऑयल में शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने टोमेटो पेस्ट रेडी किया था, एटलीस्ट आप 4 टोमेटोज़ जो है वो मीडियम साइज़ के ले लीजिएगा।
और यहाँ पे 2 टेबल स्पून अगेन मैं योगर्ट शामिल करूंगी। मसाले को अच्छी तरह हम जो है वो भूनेंगे। अगेन ब्राउन अनियन जो है वो हम दोबारा इसमें शामिल करेंगे। और ये ब्लैक पेपर, ग्रीन चिलीज, अच्छा यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे जो है मैं इसमें प्राउन्स शामिल करूंगी जो मैरिनेट किया था हमने। इसे अच्छी तरह जो हमें कुक होने देना है। पानी मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, सी फूड है तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी और ये पुदीना। और अब जो है लो फ्लेम करके जो है वो मैं इसे 10 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी। तो बस अभी से जो है वो फ्लेम जो है वो मैंने हाई कर दिया ताकि जो एक्सेस वाटर है इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है, और चावल जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करने के लिए रख दिए थे और सेम मेथड है जिस तरह हम नॉर्मली राइस बॉयल करते हैं इसी तरह हमने बॉयल करना है चावलों को। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा जो ब्राउन्स है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब जो है वो हमने तेल लगानी है चावलों की। चावल जो है वो ऑलरेडी मैंने बॉयल कर लिए हैं और मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेम मेथड से जो है वो हमने चावलों को बॉयल करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने चावल रखने हैं। और फिर ये थोड़े से मिंट लीव्स जो है वो ऐड करेंगे और ये ग्रीन चिलीज। स्टेज पे ही मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल करना है। ठीक है, अगेन एक लेयर जो है वो चावलों की आएगी इस पे। ठीक है, और सेम इसी तरह एक लेयर मैंने और लगानी है इसमें, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फाइनल लेयर है और इस पे जो है जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो मैंने शामिल करना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें और ये बिरयानी का जो एसेंस होता है वो मैंने यूज़ करना है। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा। अगेन जो है वो मैं ऐड करूँगी इसमें और ये ब्राउन अनियन। ठीक है,
और ये ग्रीन चिलीज। बस टोमेटोज मैंने इसमें नहीं शामिल करना क्योंकि मैंने स्टार्ट में ऐड कर लिया था। अब जो है मैं इसे 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट जो है वो दम पे रखूँगी, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे चावल जो है वो तकरीबन दम पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट हैंड से जो है वो मैं इसे मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गार्निश के लिए थोड़ा सा जो है वो मैंने धनिया इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ी सी ब्राउन अनियन। और यहाँ पे मैंने अनियन के कुछ रिंग्स जो हैं वो स्लाइसेस में कट करके जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर लिया था, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो है हमारी प्राउन्स बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। प्राउन्स से डिफरेंट डिशेस भी आप बना सकते हैं, प्राउन्स पुलाव भी बनते हैं और सूप भी बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। तो आज की ये प्राउन्स बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने इसके इसमें जो है इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। तो और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।